दोस्तों, बीएनपी लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। सीआरपीसी के इस वीडियो में आज हम लोग सीआरपीसी का ओवरव्यू देखेंगे। इसके साथ ही इम्पोर्टेंट सेक्शन देखेंगे जो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहमियत रखते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आपको बहुत सारे ऐसे सेक्शंस मिलेंगे जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो सिविल जज का एग्जाम हो, चाहे हायर जुडिशरी का हो या फिर एपीओ का। इसके अलावा ये आपको नेट, यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, उसमें भी काम आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, सीआरपीसी का ओवरव्यू शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स मैं बताना चाहूँगा कि एक जब हम लोग रॉन्ग की बात करते हैं तो ये रॉन्ग दो तरह के हो सकते हैं, सिविल और क्रिमिनल। तो सिविल रॉन्ग जो होते हैं अगेंस्ट एन इंडिविजुअल होता है, मींस सपोज एक्स ने वाई को इसके प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस्ट कर दिया, तो ये एक्स ने एक इंडिविजुअल वाई के खिलाफ एक रॉन्ग कमिट किया। जबकि क्रिमिनल ये जो रॉन्ग होते हैं वो अगेंस्ट द सोसाइटी या स्टेट माने जाते हैं। क्योंकि क्यों आगे बताता हूँ। तो जो सिविल रॉन्ग होते हैं उसका प्रोसिक्यूशन बाय पर्सन एग्रीव्ड होता है, जबकि क्रिमिनल जो रॉन्ग होता है उसका प्रोसिक्यूशन बाय द स्टेट होता है थ्रू पीपी या एबीपी, कहीं कहीं इसे एपीओ भी बोलते हैं। इसके बाद सिविल रॉन्ग जो है वो सोसाइटी एट लार्ज का कंसेंस को अफेक्ट नहीं करता है, जबकि क्रिमिनल रॉन्ग जो है ये सोसाइटी एट लार्ज के कंसेंस को अफेक्ट करता है, ये फियर फैक्टर लगता है। सिविल रॉन्ग फियर फैक्टर नहीं क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ द पीपल, जबकि क्रिमिनल रॉन्ग फियर फैक्टर क्रिएट करता है इन द माइंड ऑफ द पीपल। अब देखिए, लॉ को हम लोग दो तरह के लॉ में डिवाइड कर सकते हैं, पहला सबस्टेंटिव लॉ, दूसरा प्रोसीजर लॉ। सबस्टेंटिव लॉ है क्या, ये अगर सिविल लॉ में बात करें, सिविल सबस्टेंटिव लॉ की बात करें, तो ये राइट्स एंड लाइबिलिटी डिफाइन करता है। अगर आपको राइट्स एंड लाइबिलिटी क्या होती है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, ये अगर देखना है तो मेरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे एक वीडियो है इस चैनल पे, आप उसे देख सकते हैं, जिसमें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का डिटेल एनालिसिस है। तो वहाँ आपको राइट्स एंड लाइबिलिटी प्लस कॉज ऑफ एक्शन पता चलेगा। जब हम क्रिमिनल सबस्टेंटिव लॉ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्रिमिनल सबस्टेंटिव लॉ होता है वो ऑफेंसेस को डिफाइन करता है और साथ ही साथ उन ऑफेंसेस के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। जबकि जब हम प्रोसीजरल लॉ की बात करते हैं तो ये अगर चाहे वो सिविल केसेस हो या क्रिमिनल केसेस हो, जब ये कोर्ट में पहुँचेगा तो वहाँ पर क्या प्रोसेस फॉलो होगा उसी को प्रोसीजरल लॉ डिफाइन करता है। अब एक सवाल मन में आता है कि क्रिमिनल लॉ लाने का पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस था टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। अगर क्रिमिनल लॉ नहीं होता तो सपोज एक्स ने वाई को जान से मार दिया, तो इससे क्या होगा कि फिर वाई का जो कोई रिलेटिव होगा वो एक्स को मार दिया, इस तरह एक चेन ऑफ क्राइम चलता रहेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए क्रिमिनल लॉ लाना जरूरी था। अब देखिए, अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो ये 1973 का एक्ट है जो इन्फोर्समेंट में आया 1 अप्रैल 1974 से, ठीक है। इसका प्रीएम्बल देखिए, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड एमेंड द लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल प्रोसीजर। जब कहीं टर्म यूज होता है टू कंसोलिडेट, मींस ये एक्ट जो है, ये कोड जो है वो एग्जॉस्टिव है, में जितने भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेंगे वो इसी के अनुसार चलेंगे और कहीं। और यहाँ पे ये जो एंड एमेंड की बात करता है ये क्या है, तो सीआरपीसी 1973 के पहले सीआरपीसी जो हमारे देश में था वो 1898 का था, तो उसको अमेंड करने के लिए अमेंड वर्ड लिखा है, लेकिन इस एक्ट के तहत मतलब सीआरपीसी 1973 ने एक्ट ऑफ 1893 को या कोड ऑफ 1893 को रिपील कर दिया। अब देखिए, अगर हम सीआरपीसी की बात करें तो इसमें टोटल 37 चैप्टर्स हैं और 484 सेक्शंस हैं, और कन्वीनियंट के लिए मैंने इसे यहाँ दो भागों में बांटा है, प्रिवेंटिव प्रोविजंस एंड प्यूनिटिव प्रोविजन। इसके अलावा यहाँ प्रिवेंटिव प्रोविजंस में चैप्टर 8 टू 11 है, जबकि प्यूनिटिव प्रोविजंस में
चैप्टर्स 12 टू 13 टू है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर 1 टू 7 एंड 7 ये छूट जा बच जाता है, और यहाँ पे आपका चैप्टर 33 से लेके 37 बचता है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम सीआरपीसी को दो तरीके से बांट रहे हैं, एक प्रिवेंटिव प्रोविजंस यानी कि जो क्राइम को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, और दूसरा अगर क्राइम कमिट हो ही गया तो जो ऑफेंडर है उसको जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत लाना है, और वहाँ पे अगर उसने उसका जो ऑफेंस है वो बियॉन्ड डाउट प्रूव हो गया तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो जब हम प्रिवेंटिव प्रोविजंस की बात करते हैं यानी कि चैप्टर 8 टू 11, यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो चैप्टर 9 है वो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स की बात करता है, तो ये एक तरह से प्रिवेंटिव प्रोविजंस नहीं कहेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि जो मेंटेनेंस की बात करता है, सपोज कोई अगर चाइल्ड या वाइफ जो अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ और देमसेल्फ्स है, तो वैसे केसेस में अगर उन्हें मेंटेनेंस ना दिया जाए तो इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकती है, इसलिए हम यहाँ पे इसे प्रिवेंटिव प्रोविजंस के अंदर ही रख रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या करके चैप्टर, तो चैप्टर 8 ये बोलता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर, ये डील करता है सेक्शन 106 टू 124। यहाँ पे जैसा मैंने पहले ही प्रोमिस किया कि प्रिलिमिनरी में जो इम्पोर्टेंट सेक्शन पूछे जाएंगे मैं उन्हें बताऊंगा, तो इसमें आपका 106 टू 110 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको ऑलमोस्ट हर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसके अलावा इसमें सेक्शन 117 भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए चैप्टर 9 ये ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स की बात करता है, और इसके सारे सेक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सेक्शन 125 से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इनफैक्ट ये 125 से 128 तक के सारे सेक्शंस आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 10 ये बात करता है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी को, इसको चार सब हेडिंग्स में बांटा गया है। पहला है अनलॉफुल असेंबली जो डील करता है 129 से लेके 132 तक, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है जो सेक्शंस 133 से लेके 143 तक है, इसमें 133 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आपका जो चैप्टर है इसमें फिर आपका 139 जो बात करता है लोकल इन्वेस्टिगेशन की, ये इम्पोर्टेंट है। फिर सेक्शन 142 जो इंजंक्शन की बात करता है, इंजंक्शन हम लोग जनरली सीपीसी में पढ़ते हैं और एसआरए में पढ़ते हैं, लेकिन सीआरपीसी में भी सेक्शन 142 में दे रखा है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अर्जेंट केसेस ऑफ न्यूसेंस और एप्रिहेंडेड डेंजर सेक्शन 144 जो हम लोग कर्फ्यू की बात करते हैं वो यहीं पर है, ऑर्डर ऑफ 144 जब कहीं पर इशू होता है तो वहाँ 5 या उससे अधिक लोगों को जमा होना मना है। इसके बाद नेक्स्ट जो सब सेक्शन इसका सब हेडिंग है डिस्प्यूट एज टू इमोवेबल प्रॉपर्टी, ये सेक्शन 145 से लेके 148 तक है, इसमें आपका सेक्शन 145 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद इसमें 148 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। 148 जो लोकल इंक्वायरी की बात करता है। इसके बाद आइए देखते हैं चैप्टर 11, ये प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस की बात करता है, और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 151 है, ये बात करता है अरेस्ट टू प्रिवेंट द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, ये प्योरली प्रिवेंटिव मेजर है कि अगर सपोज एक पुलिस ऑफिसर को ये शक है कि एक्स कोई ऑफेंस कमिट करने वाला है तो ऑफेंस कमिट करने के पहले ही एक्स को अरेस्ट कर सकता है। अब देखिए जो सेकंड हेडिंग था प्यूनिटिव प्रोविजंस उसको मैंने फिर फर्दर 3 सब हेडिंग्स में बांटा है। पहला है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स जिसमें चैप्टर 12 टू 16 है, दूसरा है ट्रायल प्रोसीडिंग जो चैप्टर
17-27 है, और तीसरा पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग जिसमें चैप्टर 28-32 है। अब देखिए जो चैप्टर 13 है ये जुरिसडिक्शन की बात करता है। जुरिसडिक्शन मींस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की, और यहाँ पे चैप्टर 31 जो है जिसमें ये बात करता है ट्रांसफर ऑफ केसेस की। तो यहां से ध्यान रखिएगा 13 एंड 31, तो यहां पे ये जनरल टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है और ये ट्रांसफर ऑफ केसेस की बात करता है, यानी कि आप इसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं ये ट्रांसफर ऑफ जुरिसडिक्शन की बात करता है। तो इस चैप्टर को दोनों को याद रखने में आसानी होगी, इसलिए मैंने यहां समझाया। अब आइए एक एक करके चैप्टर देखते हैं। तो पहला है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, तो इसमें चैप्टर 12 ये इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके सारे सेक्शन आपको याद रखने होंगे और इनसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। इसके बाद चैप्टर 13 ये क्रिमिनल कोर्ट की जुरिसडिक्शन की बात करता है इन केसेस ऑफ इंक्वायरी एंड ट्रायल्स, मतलब एक तरह से ये टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन की बात करता है, जो अभी मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया भी था। चैप्टर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चैप्टर 14 ये सेक्शन 190 से 199, इसमें सेक्शन 190 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 199 उसी तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है सेक्शन 199 का, स्पेशली सेक्शन सब सेक्शन 2, ये बात करता है डायरेक्ट कॉग्निजेंस टेकिंग पावर ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन, और इसमें तीन तरह से कॉग्निजेंस लिया जा सकता है, इसलिए 190 भी इम्पोर्टेंट है, सेक्शन 191 भी इम्पोर्टेंट है, 192 भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो मैंने बताया कि 199 का 2 में कोर्ट ऑफ सेशन डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकता है, तो और 193 जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन को बार करता है डायरेक्ट कॉग्निजेंस लेने का, यानी 193 का एक्सेप्शन है 199 का सबसेक्शन 2। इसके बाद देखिए चैप्टर 15 ये कंप्लेंट्स टू मजिस्ट्रेट की बात करता है, इसके तीनों सेक्शन इनफैक्ट चारों सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 200 to 203। इसके बाद चैप्टर 16 कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट, यानी कि इसको हम लोग कंप्लेंट प्रोसीडिंग बोलते हैं, ये सेक्शन 20 to 210, इसमें सेक्शन 210 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई प्रोसीडिंग शुरू हुआ जिसमें पुलिस मतलब FIR भी लॉज हुई है और कंप्लेंट प्रोसीडिंग भी चल रही है, तो ऐसे केस में प्रोसीडिंग अल्टीमेटली किस प्रोसेस से चलेगा, तो ये सेक्शन 210। 205 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिस्पेंशन ऑफ एक्यूज फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस की बात करता है। 207 इंपॉर्टेंट है, 208 इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट ये इधर जो भी सेक्शन हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है 204 से लेके 210 तक। अब नेक्स्ट देखिए ट्रायल प्रोसीडिंग्स चैप्टर 17-27, इसमें जो चैप्टर 17 है ये चार्ज की बात करता है, और इसको दो हेडिंग डाला गया, पहला है फॉर्म ऑफ चार्जेस मींस चार्ज कैसे होगा, कंटेंट ऑफ चार्जेस, अल्टरेशन ऑफ चार्जेस, और अल्टरेशन के बाद क्या होगा, तो इसके भी सारे सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद जॉइंटर ऑफ चार्जेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्री और मेंस में दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। अगला देखिए चैप्टर 18 ये सेशन ट्रायल की बात करता है, जो सेक्शन 225 से लेकर 237 तक है, और मैंने एक लास्ट स्लाइड में बताया नहीं, एक सेक्शन है 209 ये कमिटल ऑफ केसेस की बात करता है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसको ये लगता है कि कोई केस एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है तो 209 के अंडर इसको रिफर करेगा कोर्ट ऑफ सेशन के पास, भेज देगा, कमिट करेगा, रिफर नहीं कमिट करेगा। तो ये चैप्टर 18 सेशन ट्रायल की बात करता है। चैप्टर 19 इसमें वारंट केसेस का ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा कैसे होगा वो दे रखा है, तो इसमें इसको हमने तीन हेडिंग में बांटा है,
सीआरपीसी में ये तीन सब हेडिंग में बटा हुआ है। पहला कि अगर वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड है ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, यानी कि एफआईआर लॉन्च हुआ और उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू हुई, तो वो प्रोसीडिंग दे रखा है 238 से लेकर 243 में, केसेस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट। तो ये जो डील होगा वो 244 से लेकर 247 तक में, और जो और ये दोनों ट्रायल कंक्लूड होंगे कैसे, तो एज पर सेक्शन 248 से लेकर 250 तक। देखिए यहाँ पे जो ये तीनों चीजें हैं, इसको आप रिलेट कीजिए सेक्शन 190 से। इसमें तीन सब सेक्शंस हैं, ए बी और सी, सॉरी तीन क्लॉजेस हैं। तो एक कंप्लेंट की बात करता है, दूसरा पुलिस रिपोर्ट की बात करता है, और तीसरा ऑन इंफॉर्मेशन की बात करता है। तो वो तीनों यहाँ पे आपके डील होंगे। इसमें आपका जो पुलिस रिपोर्ट वाला इसमें आएगा, और कंप्लेंट प्रोसीडिंग प्लस ऑन इंफॉर्मेशन ये इसमें आएगा। चैप्टर 20 ये ट्रायल ऑफ समन केसेस की बात करता है मजिस्ट्रेट द्वारा, जो डील किया गया है 251 से लेकर 259 तक पर। इसके भी सेक्शन इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको पूछे जाएंगे कि कितने दिनों में होगा या क्या। इसमें जब मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन 259 है, जो वो बोलता है कि समन केसेस को अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो वो वारंट केसेस की तरह ट्राई कर सकता है। अगला जो है चैप्टर 21, इसमें समरी ट्रायल की बात है सेक्शन 260 से लेकर 265 तक में, और इसमें से सवाल पूछे जाते हैं कि समरी ट्रायल में कितने पीरियड का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है, ये सवाल बनता है। तो ये यहाँ के भी सारे सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 21, ये 2016 के अमेंडमेंट से आया था, और इस पे ये सवाल बनता है। और इसमें एक चीज आता है कि सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस, मतलब प्ली बार्गेनिंग कैसे ऑफेंसेस के अगेंस्ट में नहीं हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 22, ये बात करता है कि अगर कोई अक्यूज्ड प्रिजन में डिटेंड है तो उसका कोर्ट में अटेंडेंस कैसे कराएंगे, ये सेक्शन 266 से लेकर 271 तक है। और इसके जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो मैं आपको बताता हूं। इसमें 267 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा टू सेवेंटी वन जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 23, एविडेंस इन इंक्वायरी एंड ट्रायल, तो इसमें जो मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस है, यहां पर एक चीज देखिएगा, जो सेक्शन 280 है ये बात करता है रिमार्क्स रेस्पेक्टिंग डेमनियर ऑफ विटनेस, इससे सीधे सीधे सवाल आपके प्री में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इसका जो सब हेडिंग है चैप्टर 23 का, वो है कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, तो इसमें जो आपका सेक्शन 299 है ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो बोलता है रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज, कब एक्यूज के एब्सेंस में एविडेंस रिकॉर्ड किया जा सकता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 24, ये बात करता है जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल की, इसमें सेक्शन 300 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल जियोपार्डी की बात करता है। इसके अलावा इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं वो 304 है जो फ्री लीगल एड की बात करता है, 310 है जो बात करता है लोकल इंस्पेक्शन की, 309 है जो बात करता है एडजर्नमेंट की, इसके बाद 306, 307 ये बार्गेनिंग पावर की बात करता है। इसके अलावा देखिए 320, 321 ये है, इसके बाद 327, मैं जो भी सेक्शन मेंशन कर रहा हूँ इसे आप अपने बेरेक में मार्क कर लें, ये आपके प्री एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका
321 बताया, और हाँ इसमें फिर आपका 311 बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से 313 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 315 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 317 मैंने एक सेक्शन आपको बताया था 205, उससे कोरिलेट करना है। 205 बोलता है डिस्पेंशन ऑफ एक्यूट फ्रॉम पर्सनल एपीयरेंस, लेकिन ये जब प्रोसीडिंग शुरू होने के पहले मीन समन के साथ एक एप्लीकेशन लगेगा 205 का, तो जाके एक्यूज को डिस्पेंस किया जाएगा फ्रॉम पर्सनल एपीयरेंस। और ये 217 जो 317 जो है ये ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, अगर एक्यूज कभी कोर्ट अपियर नहीं कर कोर्ट में अपियर नहीं कर पा रहा है तो वो एक 317 का एप्लीकेशन लगाएगा फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। नेक्स्ट देखिए चैप्टर 25, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट हैं, एक रीडिंग एक नहीं आप एग्जामिनेशन के पहले से अच्छे से देखेंगे और 2 या 3 रीडिंग तो मार के जाएंगे। इसमें अगर कोई एक्यूज अनसाउंड माइंड का है तब क्या होगा वो दे रखा है, और इसमें 329 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 339 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर आपका 334, 330, बाकी जो सेक्शंस बच जाते हैं उससे आप एक रीडिंग मार लें ताकि उससे आपको ये होगा कि ऑब्जेक्टिव में आंसर थोड़ी आसानी से हो जाएगी। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 26, ये बात करता है प्रोविजंस एज टू ऑफेंसेस अफेक्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सेक्शन 340 से लेके 352 तक है। इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविजन है, ये जो जब 340 की बात करते हैं तो इसको हम लोग देखते हैं सेक्शन 195 ऑफ सीआरपीसी के साथ, तो 340 और 195 आप एक साथ याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 27 जजमेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें एक जो सेक्शन है उससे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड सवाल है कि जो बोलता है कि कोर्ट जो है जजमेंट को अल्टर नहीं करेगा जब साइन हो जाए, ये कहाँ दे रखा है, इस तरह का सवाल पूछता है सेक्शन 362 से। इसके बाद नेक्स्ट जो है कि कॉपी ऑफ जजमेंट टू बी गिवन टू द अक्यूज्ड अनदर पर्सन, ये 363 में दे रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है, हाँ इसमें आपके 357, 357 ये, इसके बाद इनफैक्ट आपका 357 ये से लेके 357 सी तक, ये 2013 के अमेंडमेंट से आए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट जो है पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग, चैप्टर 27 खत्म हुआ था जजमेंट से, यानी जजमेंट कंप्लीट ट्रायल कंप्लीट, अब आया पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग, तो पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग जो है वो चैप्टर 28 से लेकर 32 तक है। तो एक बार जजमेंट ये हुआ पास हुआ तो जैसे डेथ सेंटेंस कोई कोर्ट पास किया, कोर्ट ऑफ सेशन पास करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन में जो डेथ सेंटेंस अवार्ड करने का पावर है वो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के पास है, असिस्टेंट सेशन जज के पास नहीं है, ठीक है। तो जब एक बार डेथ सेंटेंस पास हुआ तो वो 366 में रिफर होगा हाई कोर्ट को फॉर कंफर्मेशन, और अगर कंफर्म होता है तो वो 368 में कंफर्म होता है, तो आपका 366, 368 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका 371 ये भी इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो सेक्शंस बच जाते हैं उसके रीडिंग जरूर आप लोग एक बार मार लीजिएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 29, ये अपील्स की बात करता है, अपील में आपके 372,
382, इसके बाद 384, फिर 394, ये जो सेक्शंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैप्टर पूरा पूरा चैप्टर ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सेक्शन पार्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे प्री और मेंस में सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 30, ये रेफरेंस एंड रिवीजन की बात करता है। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम बात कर रहे हैं पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स की, लेकिन रेफरेंस जो है ये ड्यूरिंग ट्रायल प्रोसीडिंग है। मीन्स अगर ट्रायल कंडक्ट हो रहा है और जो ट्रायल कोर्ट है उसको लगता है कि किसी पॉइंट ऑफ लॉ पे कोई अथॉरिटेटिव डिसीजन नहीं है और वो पॉइंट ऑफ लॉ जो है एम्बिगुअस है, तो ऐसे में वो हाई कोर्ट को रिफर करेगा। तो ये ट्रायल ड्यूरिंग ट्रायल का प्रोसीडिंग है। यहाँ पे कुछ ओवरलैपिंग है, उसको हम इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें है सेक्शन 397-406, ये रिविजन की बात करता है। तो ये रिविजन जब होगा, एक फाइनल जजमेंट पास होगा या कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर नहीं है, कोई और ऑर्डर है, तो उसके अगेंस्ट हम रिवीजन में जाते हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर 31, इसको मैंने चैप्टर 13 के साथ पढ़ने को बोला था। तो चैप्टर 13 जो वो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है, और चैप्टर 31 जो है वो ट्रांसफर ऑफ क्रिमिनल केसेस की बात करता है, यानी कि एक तरह से ये ट्रांसफर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन की बात करता है। तो ये डेल है 406 से लेकर 412 तक में, और इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं मैं वो बताता हूँ। 406 जो ये सुप्रीम कोर्ट के पावर को बताता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास किस तरह के केसेस को कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करने के पावर है। इसके बाद 406 के बाद 407 हाई कोर्ट के ट्रांसफर करने के पावर की बात करता है। 408 कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। इसके बाद 409 जो है वो विड्रावल ऑफ केसेस अपील बाय सेशन जज की बात करता है। 410 विड्रावल ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करता है। 411 मेकिंग ओवर और विड्रावल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करता है। तो बाकी सेक्शन तो लोग याद रखते हैं, 411 को लोग इग्नोर करते हैं और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और जो सेक्शन 412 है, इसमें कोर्ट को ये मैंडेट किया गया है कि अगर वो कोई केस ट्रांसफर करता है तो उसका रीजंस रिकॉर्ड करके रखना है। नेक्स्ट जो चैप्टर है चैप्टर 32, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जीक्यूशन सस्पेंशन रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करता है, और ये चैप्टर 32 जो है वो सेक्शन 413 से लेके 435 तक है। इसको फिर 5 सब हेडिंग में बांटा गया है। पहला है डेथ सेंटेंसेस के केस में, तो ये सेक्शन 413 से लेके 416, और ये 416 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्री में से सीधे सवाल पूछे जाते हैं। ये बात करता है पोस्टपोनमेंट ऑफ कैपिटल सेंटेंस ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। मतलब अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है उसको अगर डेथ सेंटेंस दिया गया है तो उस सेंटेंस को पोस्टपोन कर देंगे। नेक्स्ट बी इम्प्रिजनमेंट की बात करता है 417-420। इसमें जो आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से 417 और 420 बहुत इंपॉर्टेंट है। लेवी ऑफ फाइन सेक्शन 421 से लेकर 424, इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो सेक्शंस हैं वो होगा 424, इससे एकाध सवाल देखे गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है जनरल प्रोविजंस रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन 425 से लेके 431 तक। इसमें जो आपका एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंसेस की बात है कि कैसे होगा, यहां से प्री में सवाल अभी तक नहीं देखे हैं, लेकिन एटलीस्ट एक या दो रीडिंग तो जरूर करना चाहिए इसका। नेक्स्ट जो है वो सस्पेंशन रिमिशन एंड कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंसेस की बात करता है सेक्शन 432 से लेके 435 तक का। और इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन है 432
433, 433A, इसके बाद 435 एंड 434। इनफैक्ट सारे सेक्शंस आ गए, ऑलमोस्ट सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनसे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप दो तीन रीडिंग अगर इस इन सेक्शंस का दे लिए तो प्री में क्वेश्चंस, क्योंकि एमसीक्यू होता है तो आपके दिमाग में इससे ऑप्शंस देने पर स्ट्राइक कर जाना चाहिए। अब हमने देख लिया तीन स्टेजेस, प्री ट्रायल, ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल। इसके बाद जो हमारा रह गया है चैप्टर 127A एंड 33 से लेके 37, इसको हम लोग देखते हैं। तो चैप्टर 127A में सेक्शन वन, पहला चैप्टर जो है प्रिलिमिनरी की, इसमें सेक्शन 1-5 है। इसका सेक्शन 2 जो डेफिनेशन वाला सेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो हर एक डेफिनेशन से सवाल पूछे गए हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, कंप्लेंट, विक्टिम, ये सब के डेफिनेशंस पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 2, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसर्स की बात करता है। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो सेक्शन 6, इसके बाद सेक्शन 6 हो गया, सेक्शन 7 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 13 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 18 इंपॉर्टेंट है, इसके बाद 24, 25 एंड 25A, ये सारे सेक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सवाल सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 3, ये पावर ऑफ कोर्ट्स की बात करता है, सेक्शन 26 से 35। इसमें आप ये कह सकते हैं कि किस कौन सा ऑफेंसेस किस कोर्ट द्वारा ट्रायबल है ये दे रखा है, और प्लस इसका जो सेक्शन 28, 29, 31 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये बताता है कि कौन सा जज, मतलब कौन सा कोर्ट कितना सेंटेंस अवार्ड कर सकता है। तो चैप्टर 3 इनफैक्ट आपको सारे सेक्शंस अच्छे से याद होने चाहिए। नेक्स्ट जो है चैप्टर 4, ये इसको दो भाग में डिवाइडेड है। पहला है पावर्स ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स ऑफ पुलिस, सेक्शन 36, इससे सीधे सीधे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद एड टू मजिस्ट्रेट एंड द पुलिस, सेक्शन 37 से लेके सेक्शन 40 तक, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका इसका आप कोई भी सेक्शन एक्सक्लूड नहीं कर सकते हैं, सारे सेक्शन से प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है चैप्टर 5, अरेस्ट ऑफ पर्संस, सेक्शन 41 से लेके 68। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट सेक्शन बताता हूँ, है तो ये सारे इम्पोर्टेंट, लेकिन स्पेशली आप ध्यान रखिएगा 41, 41A से लेके 41D तक, 42, इसके बाद 43, 44, 45, 46, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा इसमें कोई भी सेक्शन इग्नोर नहीं किया जा सकता है। सेक्शन 50 जो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट की बताने की बात करता है, इसके बाद 50A, इनफैक्ट आप इसके सारे सेक्शंस अच्छे से पढ़ लेंगे, याद रखेंगे। अगला जो चैप्टर 6 है, ये प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस की बात करता है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो समन्स की बात करता है, 61 से लेके 69। और इसमें जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है 61 से लेके 65 तक। इसके बाद वारंट ऑफ अरेस्ट, इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 77 है, इससे प्री में क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम में मिल जाएंगे। फिर आइए प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट की बात करते हैं, तो इसमें 82, 83, इसके बाद 82 से लेके 87 तक बहुत इम्पोर्टेंट है, सॉरी यहाँ 86 तक है, 87 भी है आपका,
जो नेक्स्ट है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेस में 87 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये क्या बात करता है, ये बात करता है कि अगर समन इशू हो रहा है तो समन के साथ वारंट भी इशू हो सकता है या समन के जगह पे वारंट इशू हो सकता है। तो इसे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है चैप्टर 7 जो बात करता है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। इसको फिर चार सब हेडिंग में बांटा गया है। पहला है समन टू प्रोड्यूस, इसके दोनों सेक्शन इंपॉर्टेंट है। सर्च वारंट इस देखिए इसमें जो सेक्शन 92 है ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बात करता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम्स की। तो इससे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। और देखिए सेक्शन 91 जो है ये समन टू प्रोड्यूस है। आपको अगर थोड़ा भी इन्वेस्टिगेशन की जानकारी होगी तो उसमें ये होता है कि अगर किसी एक केस का, सपोज एक केस वन है, इसका केस डायरी है, इसको केस वन में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन केस टू में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो केस टू में इस्तेमाल करने के लिए, इस केस डायरी को प्रोड्यूस करने के लिए जो ऑर्डर पास होगा वो सेक्शन 91 में पास होगा। नेक्स्ट जो है सर्च वारंट की बात करता है जो 93 से लेकर 98 तक का है। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 95 एंड 96। सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है लेकिन 95 एंड 96 स्पेशली आपको याद रखने की जरूरत है। अगला जो है जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्चेस, ये 99 से लेके 101 तक है। और इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो है ये, इनफैक्ट ये तीनों सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो है सेक्शन 102 से लेके 105 तक, इसमें आपको 104 इंपाउंडिंग ऑफ 104 जो है इंपाउंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट की बात करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर ऐड हुआ है चैप्टर 7A, इसमें रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर असिस्टेंस इन सर्टेन मैटर्स एंड प्रोसीजर फॉर अटैचमेंट फॉर फ्यूचर ऑफ प्रॉपर्टी, इसकी बात करता है। ये सेक्शन 105A से लेके 105L तक है। इसमें ये एक तरह से समझिए कि ये इंडिया है और एक दूसरी कंट्री है, तो इसमें रेसिप्रोकेटिंग अरेंजमेंट होता है कि अगर मान लीजिए कि यहाँ से इंडिया में कोई एक पर्सन ऑफेंस कमिट करके दूसरे कंट्री में चला गया तो अगर ये ट्रीटी है तभी ये कंट्री इंडिया को उस पर्सन को हैंड ओवर करेगा। तो ये जो सारे प्रोविजन है वो चैप्टर 7A में दे रखा है। अब देखिए नेक्स्ट जो पार्ट रह गया है वो है चैप्टर 33 से लेके चैप्टर 37 तक। तो चैप्टर 33 जो है वो बात करता है बेल एंड बेल बॉन्ड की। तो बेल एंड बेल बॉन्ड इसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो आप देखिए 436 जो रेगुलर बेल की बात करता है, नहीं सॉरी ये बात करता है कि किस केसेस में बेल दिया जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 436 ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 437 ये आपका रेगुलर बेल की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है। 438 एंटिसिपेटरी बेल की बात करता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो है वो 439 440 इसके बाद आपका 446 ये सेक्शंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। अगला जो चैप्टर है चैप्टर 34 ये डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है सेक्शन 451 से लेकर 459। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी मींस अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है वहां पे कोई प्रॉपर्टी अगर फॉरफिट किया गया है, मतलब कोर्ट द्वारा फॉरफिट किया गया है, तो उसका कैसे डिस्पोजल होगा। तो दो दो सिचुएशन हो सकती है कि ड्यूरिंग ट्रायल डिस्पोजल हो सकती है अगर वो पेरिसेबल गुड्स है, या आफ्टर डिस्पोजल ऑफ द केस उस प्रॉपर्टी आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द केस उस प्रॉपर्टी का डिस्पोजल हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर इरेगुलर प्रोसीडिंग, ये इसमें जो आपके सेक्शंस
460 और 461, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसमें जो आपके दे रखे हैं कि कौन कौन से ग्राउंड पे प्रोसीडिंग विसिएट करेगा और कौन कौन से ग्राउंड पे नहीं विसिएट करेगा, ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर आप कंप्यूटर की थोड़ी जानकारी होगी तो उसमें बाइनरी सिस्टम होता है, 0 और 1। तो जब 0 की बात करते हैं तो यहाँ पे नॉट होता है और इस पे मतलब नो कह सकते हैं और इसको यस कह सकते हैं। तो 460 में दे रखा है कि कौन से प्रोसीडिंग जो है अगर इरेगुलर है तो विसिएट नहीं करेगा, और 461 में दे रखा है कि कैसे प्रोसीडिंग विसिएट करेंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 36, ये बात करता है लिमिटेशन पीरियड की ऑफेंसेस के केस में, 467 से लेके 473, और इसमें जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्शन सेक्शन है वो है 468, जो बात करता है कि कौन ऑफेंस कितने पनिशमेंट से पनिशेबल है, तो उसका आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा। नेक्स्ट जो है मिसलेनियस की बात करता है, सेक्शन 474 से लेके 484 तक, इसमें जो आपका सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर ऑफ हाई कोर्ट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से सीआरपीसी का ओवरव्यू खत्म हुआ, चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 37 तक। आइए थोड़े कुछ और पॉइंट्स देखते हैं क्रिमिनल लॉ के संदर्भ में। तो पहला है कि ट्रायल की जरूरत क्यों पड़ती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए एक्स ने वाई के अगेंस्ट में कोई ऑफेंस किया, तो जब तक एक्स गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है तब तक इसको इनोसेंट माना जाएगा। मतलब ये क्रिमिनल लॉ का प्रिजम्पशन है कि ये पर्सन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल प्रूव्ड गिल्टी। तो जब तक ये कन्विक्ट नहीं हुआ है तब तक ये इनोसेंट है, और ऐसे केस में इसका जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये इसका इंटरेस्ट है। दूसरी ओर अगर वाई एक विक्टिम है, तो जो ऑफेंस मैंने बताया था कि अगेंस्ट द सोसाइटी ये कंसाइंस ऑफ द पीपल को अफेक्ट करता है, तो ऐसे केस में जो सोसाइटी का है वो इंटरेस्ट ये है कि जो कल्प्रिट है उसको उसका ट्रायल हो, उसको पहले उसको फाइंड किया जाए, उसका ट्रायल हो और कन्विक्शन के बाद उसे पनिशमेंट दिया जाए। तो ये बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है। इसके बाद जब हम बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो एक्यूज के फेवर में जो सेफगार्ड दे रखे हैं वो देखिए। तो एक है बेल, मतलब बेल में एक मैंने बताया रेगुलर बेल, और दूसरा एंटिसिपेटरी बेल। एंटिसिपेटरी बेल केस लॉज हुआ और अरेस्ट नहीं हुआ तब वो बेल के लिए अप्लाई करता है, तो उसको एंटिसिपेटरी बेल बोलते हैं, मींस बेल इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट। तो ये बेल का प्रोविजन है। दूसरा, अरेस्ट अगर किया जाएगा तो उसमें क्या सेफगार्ड्स हैं। इसके बाद अगर एक बार अरेस्ट हुआ तो उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है, और जब मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस हुआ तो उस एक्यूज को डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाएंगे अपोजिट पार्टी। अपोजिट पार्टी मीन्स यहाँ पे या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो सकता है या कंप्लेंट के थ्रू हो सकता है, कंप्लेनेंट देगा। इसके बाद जब ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो गया तो यहाँ फिर चार्ज फ्रेमिंग होगा, तो चार्ज फ्रेमिंग के समय भी एक्यूज को सुना जाएगा कि क्या करना है उसका। इसके बाद जब चार्ज फ्रेमिंग हो जाएगा ट्रायल शुरू हो जाएगा, और ट्रायल होने के बाद जब प्रोजेक्यूशन एविडेंस दिया जाएगा, और प्रोजेक्यूशन एविडेंस जब कंप्लीट होगा उसके बाद मैंडेटरी पर्सनल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड जरूरी है, ठीक है। वहाँ उसे उसको एक मौका दिया जाता है कि वो जो प्रोजेक्यूशन एविडेंस जो उसके अगेंस्ट में जा रहा है उसके खिलाफ उसके पास क्या एक्सप्लेनेशन है, या उससे रिलेटेड उसके पास क्या एक्सप्लेनेशन है। और जब ट्रायल कमेंस होके ख़त्म हो जाता है और जब एक्यूज कन्विक्ट हो जाता है, तो फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए भी हीरिंग होती है कि वहाँ ये देखा जाता है कि क्या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट कम किया जा सकता है। और जब अल्टीमेटली कन्विक्ट हो गया, पनिशमेंट उसे दे दिया गया, तो उसके पास राइट ऑफ अपील है। तो ये सारे सेफगार्ड हैं एक्यूज के पास। इस तरह से ओवरव्यू ऑफ सीआरपीसी कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं और चाहते हैं कि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिले,
तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिले. थैंक यू फॉर वॉचिंग.